आज के टाइम में सॉफ्टवेयर हर जगह यूज होता है, आईटी में, टेलीकम्युनिकेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बैंक से लेके हॉस्पिटल्स तक, हर जगह अलग-अलग तरीके से सॉफ्टवेयर यूज होता है। अगर आपको टॉप कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बेटर स्टैटिस्टिशियन है और किसी भी स्टैटिस्टिशियन से बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाय ऑल, माय नेम इज शौर्य गुप्ता और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली हम अलग अलग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ को बनाने, डिज़ाइन करने और उनको टेस्ट करने पे फोकस करते हैं। सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेक्टर का, क्योंकि हार्डवेयर इक्विपमेंट्स जो हैं वो अपने आप खुद से तो काम नहीं कर सकते ना, बिना किसी सॉफ्टवेयर टूल के। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के टाइम में सॉफ्टवेयर हर जगह यूज़ होता है, आईटी में, टेलीकम्युनिकेशंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बैंक से लेके हॉस्पिटल्स तक, हर जगह अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आज के टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलना, एंड कोडिंग निंजास के चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच अमेजिंग एंड यूजफुल कंटेंट। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए सबसे पहली और बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के लिए तैयार हो और इन्हें आसानी से सीख सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आप काम करोगे तो ऐसा होगा कि हर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही होंगी एंड उसके हिसाब से डिमांड भी बढ़ेगी। अगर आपको अप टू डेट रहना है तो आपको इन नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना होगा, सीखना होगा एंड इनको यूज़ करना सीखना होगा, तभी आप जो है इस इंडस्ट्री से रेलिवेंट रह पाओगे। लेट अस डिस्कस द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर पाथ इन डिटेल नाउ। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए प्राइमरी स्टेप है कंप्लीटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन। इसको अचीव करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एक एसोसिएट डिग्री करना या बैचलर्स डिग्री करना या फिर कोई कोडिंग बूट कैंप ज्वाइन कर लेना। इन तीनों ऑप्शंस को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसोसिएट डिग्री के बारे में। तो ये एक 2 ईयर डिग्री होती है जहाँ की ये उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइंड है या उन स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता एंड वो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म कोर्स में एनरोल कर सकें। सपोज़ करो आप ऑलरेडी किसी जॉब में काम कर रहे हो, आप ग्रेजुएटेड हो बट आप चेंज करना चाहते हो अपनी लाइन को, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। एक एसोसिएट डिग्री में आपको जो है एक एंट्री लेवल जॉब मिल सकती है। एक एसोसिएट डिग्री के थ्रू आपको एक एंट्री लेवल जॉब मिल सकती है इंडस्ट्री में। यूजुअली कोर्स का करिकुलम कुछ ऐसे डिजाइंड होता है कि मेजरली वो इंजीनियरिंग के कोर प्रिंसिपल्स को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तरीकों पर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पर फोकस करता है। एसोसिएट डिग्री के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ये नॉर्मल डिग्री से थोड़ा इकोनॉमिकल यानी सस्ता होता है एंड इससे आप वो स्किल्स सीखोगे जो कि आप आगे यूज़ कर सकते हो और भी सर्टिफिकेशंस को सीखने के लिए। सपोज़ करो जैसे पाइथन हमें रिक्वायर्ड होती है डेटा साइंस या मशीन लर्निंग को सीखने के लिए। एंड कुछ नुकसान भी हैं एसोसिएट डिग्री के, जैसे कि आप इस टाइप के कोर्सेस थोड़े जो होते हैं वो फास्ट पेस्ड होते हैं, थोड़े जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करते हैं और हो सकता है कि इनमें वो सब कवर ना हो जो कि आप एक्चुअली में सीखना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर्स डिग्री के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री जो होती है वो 4 साल की होती है। बड़ी बड़ी और टॉप कंपनीज बैचलर्स डिग्री को ही अपना मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट रखती हैं। द कोर्स करिकुलम इंक्लूड्स कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं कोडिंग बूट कैंप के बारे में। कोडिंग बूट कैंप जो होते हैं वो करीबन 8 से 12 हफ्ते लंबे होते हैं एंड एज एन एंट्री लेवल प्रोफेशनल एंड इंजीनियरिंग फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए प्रोग्रामिंग का तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। तो कोडिंग बूट कैंप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली किसी भी डिग्री में
उसके दौरान आपको जो है आप प्रोग्रामिंग और उससे रिलेटेड चीज़ें सीखोगे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, लॉजिक बिल्डिंग हो गया, या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स हो गया, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अगर आपको टॉप कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में आपको मैं बताऊं तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स जो है वो डेटा से रिलेटेड ऑपरेशंस, जैसे कि स्टोर करना, फेच करना, ऐसे सारे ऑपरेशंस को एफिशिएंटली और ऑप्टिमल तरीके से करने में हेल्प करता है। सो अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे तो वो सबसे पहले आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के ही क्वेश्चंस पूछेंगे। DSA सीखने के लिए आप कोडिंग निंजास के डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, जो कि C++, जावा और पाइथन में अवेलेबल हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका। एक बार आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए लेने के लिए कि जैसे आपने जो पढ़ा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कैसे होता है और अप्लाई कैसे होता है, इसके लिए आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं जनरली इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप ऑफर करती हैं। ये इंटर्न करीब 2 से 6 महीने की होती है एंड इसमें कैंडिडेट को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाउ टू फंक्शन इन अ फास्ट पेस्ड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खाली पढ़ने से समझ या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, बट जब आप उन्हें प्रैक्टिस करोगे या फिर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको उनकी इम्पॉर्टेंस पता चलती है। सो जब आप इंटर्नशिप करोगे तब आप ये लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे एंड इसके ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रॉम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स। इतना सब करने के बाद अब आप अपने इंटरेस्ट का कोई डोमेन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं कि वो कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टूल में वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। कुछ एरियाज जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो वो हैं वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट और डेटा साइंस। एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें इनमें काम करती हैं, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो वेब डेवलपमेंट में भी 2 एरियाज होते हैं, एक होता है आपका फ्रंट एंड दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड उन सारे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स से डील करता है जो कि आपको वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हो तो आपको सामने दिखते हैं, जैसे कि बटन्स हो गए या फिर आपका स्क्रॉल बार हो गया या ऐसी चीज़ें जो भी होती हैं जो आपको सामने दिख रहे होते हैं, कंपोनेंट्स, इमेजेस हो गई, इन सब चीज़ों से डील करता है। और बैकएंड देखता है कि कैसे वेबसाइट रन हो रही है एंड कैसे डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंटेन रहे। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप फ्रंट एंड या फिर बैक एंड में से कोई भी एक या फिर दोनों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। एक डेवलपर जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों से डील करता है उसे हम लोग कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। वेब डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं HTML, CSS और JavaScript। ये फ्रंट एंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बैक एंड के लिए होते हैं हमारे Node.js और MongoDB। सो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि WhatsApp जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसको ऑलमोस्ट पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, वो कैसे बना? नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स बढ़ने के साथ साथ ही मोबाइल ऐप जो इंडस्ट्री है, मोबाइल ऐप की इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी बड़ी है। सो iOS और Android एप्लीकेशंस के पीछे एक वास्ट टीम ऑफ मोबाइल डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स है जो कि WhatsApp जैसे एप्लीकेशंस को बनाते हैं। ये एप्लीकेशंस ऐसे बनाए जाते हैं कि ये हर किसी मोबाइल डिवाइस पे बिना किसी प्रॉब्लम के चल सकें। मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जावा टू बिल्ड ऐप्स फॉर एंड्रॉयड फोन्स एंड ऑब्जेक्टिव सी अगर आपको iOS फोन्स के लिए ऐप बनाने हैं। तो अब बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में। डेटा साइंस को 21st century का वन ऑफ द हॉटेस्ट करियर पाथ्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टैटिस्टिशियन जॉश विल्स, डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बेटर स्टैटिस्टिशियन है और किसी भी स्टैटिस्टिशियन से बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है या आपको लगता है कि आप इनको अच्छा कर सकते हो, इनमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, तो श्योरली आपको डेटा साइंस ट्राई करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेटा साइंस में हैं आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तो फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया अगर आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड एल्गोरिदम्स को समझना है अच्छे से, एंड प्रोग्रामिंग हो गया आपका, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया और मशीन लर्निंग हो गया। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बेटर लर्निंग और किसी भी तरीके से नहीं मिल सकती।
सो अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करने के बाद उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने का ट्राई करो। ऐसा करने से आप अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को तो इन्हांस करोगे और अपनी कोडिंग स्किल्स को मास्टर कर पाओगे। एंड ऐसा नहीं है कि यार प्रोजेक्ट सिर्फ आपके लिए खुद के लिए है, ये सिर्फ आपकी स्किल्स को इन्हांस करेंगे, बट जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तब ये प्रोजेक्ट्स जो हैं आपने रिज्यूमे में जो आपने मेंशन करे होंगे, लिखे होंगे, ये आपके स्किल्स की क्रेडिबिलिटी को जस्टिफाई करेंगे एंड बाकी कैंडिडेट से आपको अलग दिखाएंगे। एक बार अपने रिक्वायर्ड डिग्रीज कर ली, अब टाइम है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का। लिंक्डइन या फिर इंडीड जैसी साइट्स पे आप प्रोफाइल बनाओ टू लुक आउट फॉर जॉब इंटरव्यूज रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशन एंड स्किल सेट। मेक श्योर कि आप जो है कुछ इंटरव्यूज में आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ एंड उनमें आप ज़रूर बैठो ताकि आप उनमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ग्रैब कर सको। अपने करियर गोल्स और डायरेक्शन को लेके अगर आप क्लियर हो तो वो आपको एक हेल्प करेगा सही रोल्स तक पहुंचने में। किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप उस कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हो। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक टिपिकल इंटरव्यू कैसा होता है, कितने राउंड्स होते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप कोडिंग निंजास के कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, जहां पर आपको हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे और थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी टॉप कंपनी के इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद कुछ मॉक इंटरव्यूज ट्राई करना मत भूलना यार, ताकि आप इंटरव्यू के उस एनवायरनमेंट से, स्ट्रेसफुल नर्वसनेस वाले भरे एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल हो जाओ। मेरे अकॉर्डिंग यार मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक तरीके से पहले ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको फर्स्ट हैंड पता चल जाएगा कि भाई कैसा आपका इंटरव्यू रहने वाला है, क्या आप मिस्टेक्स कर सकते हो अपने इंटरव्यू में। मे बी हो सकता है वो नर्वसनेस की वजह से हो आपकी मिस्टेक्स जो आपने करी हैं, या फिर आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई हो, तो आप उसको देख के पहले ही कवर कर सकते हो ताकि आप वो मिस्टेक्स जो हैं, वो गलतियाँ जो हैं, आप वापस से अपने इंटरव्यू में ना दोहराओ एंड आप उस इंटरव्यू को अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्या क्या रोल्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली डिज़ाइन करता है अपने सॉफ्टवेयर को, जिसमें कि जब कंपनी के पास कोई रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की आती है तो अपने इंजीनियर्स को सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स दे देती है, जिससे कि एक हम ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है डेवलपमेंट के लिए। इसी स्टेज पे काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करा जाता है बिना किसी लाइन ऑफ कोड को लिखे। फिर आता है डेवलपमेंट, जिसमें बेसिकली डिज़ाइन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में, मतलब इसी स्टेज में जो है हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं कोड्स और फंक्शंस वगैरह के यूज़ करके। फिर आता है टेस्टिंग एंड डीबगिंग, जिसमें कि हम अपने सिस्टम में जो बग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ को हम बार बार करते हैं जब तक कि हमें एक बग फ्री एप्लीकेशन नहीं मिल जाता। अब सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हम सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छा कैरियर है। ग्लासडोर के डेटा के हिसाब से एवरेज सैलरी जो है वो 6 लाख पर एनम है, जो कि एक फ्रेशर के लिए, और बाकी एक्सपीरियंस और लेवल के साथ साथ एक्सपोनेंशियली ये सैलरी बढ़ती है। द सैलरी जो होती है उसकी रेंज अकॉर्डिंग टू ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप क्या वैल्यू एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाते हो कंपनी के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मच वैल्यू यू कैन प्रोवाइड टू योर कंपनी एंड हाउ गुड यू आर, आप अपनी जॉब पर कितना अच्छे हो, हाउ गुड यू आर एट योर जॉब। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक, जैसे कि यहाँ पे बहुत अवेलेबिलिटी है आपकी जॉब्स की, ये आपको एक क्रिएटिव रखने में अलाउ करता है कि आपको इस फील्ड में क्रिएटिव रहना पड़ेगा अगर आपको आगे रहना है। तो बहुत ही डाइवर्स फील्ड है एक तो ये, और हर रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड ऑब्वियसली एक बहुत रिवॉर्डिंग कैरियर तो है ही। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक प्लान मिल गया होगा कि कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना जा सकता है। थैंक यू।